गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू टुडे? आर यू फाइन? वेरी गुड, आई एम ऑल्सो फाइन। स्टैंडर्ड सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश, पेज नंबर 34। जैसे कि आपको पता है, हमने पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, पेज नंबर 32 और 33, उसमें हमने क्वेश्चन आंसर, फिर ब्लैंक्स किया था और कुछ एक्स किया था, ठीक है? तो आपको सब समझ में आया था। तो अब आज हम जा रहे हैं यहाँ पर पेज नंबर 34 पे। इसमें क्या लिखा है, से अलाउड, मैं पढ़ूँगी, आपको भी साथ साथ पढ़ना है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेच, स्ट्राइम, स्ट्राइप्स, स्कूल, स्किन, स्कोल्ड, स्क्रफी, स्पोर्ट्स, स्पाइट, स्पिन, स्पेल, जिब्रा, झूम, जीप, झू, जिराफ, जंप, जोय, जेली, गम, गर्ल, ग्रो, ग्यू, ठीक है? तो आपको भी ट्राई करना है घर पे। कुछ वर्ड्स नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हो, आपके पेरेंट्स को पूछ सकते हो, ठीक है ना? अब हम लेट्स फाइंड है, इसमें क्या लिखा है, मंकीज आर फन टू वॉच, कैन यू फाइंड द वर्ड मंकी 5 times इन द बॉक्स। ये बॉक्स दिया है, इसमें क्या करना है आपको, 5 times मंकी की स्पेलिंग ढूंढनी है, ठीक है? तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, तो जैसे कि आप देख ले आपने, मैंने मंकी के ऊपर एक ही पेंसिल, MONKEY, मंकी की स्पेलिंग, इसके ऊपर मैंने पेंसिल सर्कल किया है। हमको 5 ढूंढने, मैंने एक ढूंढ लिया, अब आपको 4 आपको ढूंढना है, ठीक है? होमवर्क है आपके लिए आज का, याद रखना, ठीक है बच्चों? आपको 4 मंकी की स्पेलिंग इसमें राउंड करके मुझे दिखाना है होमवर्क में। उसके बाद नाउ राइट अबाउट योर फेवरेट एनिमल और बर्ड बाय कम्प्लीटिंग दिस सेंटेंस। यहाँ पे क्या करना है आपको, एनिमल, आपका फेवरेट बर्ड या फिर एनिमल कौन सा है, किसी भी एक का ही नाम लिखना है, ठीक है? तो हमें फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, माय फेवरेट एनिमल और बर्ड इज, क्या आएगा आपको, जब फेवरेट बर्ड या एनिमल हो उसका नाम लिखना है, ठीक है? यहाँ पे इट लाइक इट, आई लाइक इट बिकॉज, आपको क्यों अच्छा लगता है उसका आंसर लिखना है। आई डोंट लाइक इट बिकॉज, आपको क्यों नहीं अच्छा लगता है। आई थिंक इट लुक्स लाइक, किसकी जैसा उसका लुक लगता है, तो आपको इसका पूरा फील कर देना। जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल की तरह फील कर दूँगी, फिर आपको अपने तरीके से फील करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने लिखा माय फेवरेट एनिमल और बर्ड्स, मैंने क्या लिखा, बर्ड्स इज पिकॉक, पिकॉक एक बर्ड्स है, ठीक है? आई लाइक इट बिकॉज इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है इसलिए। आई डोंट लाइक इट बिकॉज आई वीप व्हेन इट डांस, मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो जब डांस करता है तो रोता है, ठीक है? आई थिंक इट लुक लाइक, वो आपको क्या लगता है किसके जैसा दिखता है, कलरफुल फैन, जैसे आपने कलरफुल फैन देखे हो इस टाइप का, नहीं लगता उसके पंख आपको बर्ड्स का, यस। तो आप इसमें एनिमल्स के बारे में कर सकते हो और या फिर बर्ड्स के बारे में कर सकते हो। और आपको ये ब्लैंक से अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिख लेनी है, ठीक है ना, ओनली पेंसिल से। अब पेज नंबर 35 पे हम जाएंगे, वर्ड बिल्डिंग यहाँ पे दिखा हुआ, ठीक है? मीन्स द एनिमल टू इट्स ग्रुप, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट अभी काउ, अ लायन, अ बर्ड, ठीक है? इसके सामने दिया है अ प्राइड ऑफ लायंस, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ स्वार्म ऑफ बीस, अ हर्ड ऑफ काउस, ठीक है? आपको मैचेस करना है। अब जैसे कि अभी है, यहाँ पे सभी का ग्रुप दिया है बाजू में, यहाँ पे उसे हम क्या कहते हैं, जैसे अभी है उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, तो क्या आएगा, अ स्वार्म ऑफ बीस, अ काउ, काउ के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अ हर्ड ऑफ काउस, इससे मैच करेंगे हम। अ लायन, तो लायन को हम किससे मैच करेंगे, यस, अ प्राइड ऑफ लायंस। उसके बाद अ बर्ड, बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहते हैं हम, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तब हम इसे मैचेस कर देंगे, ठीक है ना? तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है, मैंने मैच कर दिया यहाँ पे, जैसे कि देखो अभी का ग्रुप क्या होगा, अ स्वार्म ऑफ बीस, अ काउ, काउ को मैंने किस साथ मैच किया है, अ हर्ड ऑफ काउस, अ लायन, लायन को अ प्राइड ऑफ लायंस, अ बर्ड, बर्ड का क्या आएगा, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ये प्राइड, फ्लॉक, स्वार्म एंड हर्ड, ये सब भी एक ग्रुप के प्रकार है, ठीक है? पर हम सबको अलग अलग तरीके से नाम से बोलते हैं, इसलिए जैसे बी का ग्रुप होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, अ स्वार्म ऑफ बीस, इसी तरीके से आपको मैचेस कर लेना आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है ना? अब लेट्स राइट लिखा है, द मंकी रोड टू हिज मदर, आई लुक अ फूल, ए फूल, ही मेड टू मिस्टेक, व्हाट आर दे, राइट द सेंटेंस करेक्टली। आपको इसमें क्या मिस्टेक दिख रही है, जैसे कि इसमें देख रहे हो आप, आई लुक ए फूल,
तो फिर आई है स्मॉल लेटर में लिखा है, पर हमें क्या फर्स्ट हम कभी भी सेंटेंस या वर्ड्स लिखते तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से करते थे, इसमें नहीं, इसमें स्मॉल लेटर लिखा है इसलिए रॉन्ग है, इसमें एक मिस्टेक है। दूसरा, इसने यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाया, हम सेंटेंस कोई पूरा करते हैं तो हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं, तो इसलिए ये मिस्टेक है। ठीक है, हम करेक्ट लिख देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आई लुक एव फुल, तो आई मैंने कैपिटल कर दिया, फुल स्टॉप कर दिया, दो मिस्टेक है। ठीक है ना, अब हम पेज नंबर 36 निकालेंगे। यहाँ पे लिखा है पुट द लेटर्स इन ऑर्डर टू मेक अ वर्ड टू हैव बीन डन फॉर यू। यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे दो हमको डन कर दे, ओ टी, ओ टी का मीनिंग कुछ होता है नहीं, इसको हम क्या लिखेंगे टू, तो टू का होता है मीनिंग, इसलिए टू वर्ड्स आपने देखा होगा, इसलिए जैसे एस आई लिखा है इसका कुछ मीनिंग ही नहीं, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, इसलिए आई एस लिखेंगे। दो आपके लिए दे दिया, एज लास्ट वाले को इस साइड हम लेके आए। ठीक है, तब अब थर्ड आप बनाएंगे ई एच का मीनिंग ही नहीं होता है, पर एच ही हम लिख देंगे तो ही मीनिंग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बी आई जी लिखा है, पर बी आई जी का कोई मीनिंग ही नहीं लिखा, तो हम क्या लिखेंगे बी आई जी, तो यानी बिग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एच आई एम है, तो हम इस तरीके से एच आई एम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एस आई एच है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एच आई एच, हिज। यहाँ पे आर ई एच है, तो हम क्या लिखेंगे एच ई आर, हर। यहाँ पे एन एस सी है, तो एन एस सी का कोई मीनिंग ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे सी एन, कैन, तब हम लिख देते हैं स्टैंडिंग। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने लिख दिया, ठीक है, एच का ही, जी आई बी का बिग, एम आई एच का हिम, एस आई एच का हिज, आर ई एच का हर, एन एस सी का कैन। ठीक है, ये भी आपको अपने इंग्लिश की नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, सारे ब्लैंक्स, वेरी गुड। अब हम ज़्यादा लुक एट द पिक्चर्स, काउंट एंड राइट, यहाँ पे आपको पिक्चर्स देखना और काउंट करना है। ठीक है, और लिखना है यहाँ पे, इसमें आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। तो काउंट एंड राइट, फर्स्ट पिक्चर में जिब्रा कितना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, वन जिब्रा। उसके बाद क्या, जिराफ्स, दो जिब्रा है यहाँ पे, इसलिए हमने आपके एड एस एस एड एस टू द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स का नेम है उसके आगे एस एड किया, ताकि दो इसलिए प्लूरल हो गया ना। इसके बाद कितने काउंट एंड राइट लिखा है, टू जिराफ्स, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, टू जिराफ्स। अब इसके बाद एलिफेंट है, तो यहाँ पे क्या लिखा, वन एलिफेंट लिखेंगे हम। ठीक है, ये कितने एलिफेंट दिख रहे हैं, अब इसके बहुत सारे, इसलिए हम प्लूरल एस ऐड करेंगे, इसलिए एलिफेंट्स आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, कितने एलिफेंट दिख रहे हैं, वन टू थ्री, तो हम क्या लिखेंगे, थ्री एलिफेंट्स। यहाँ पे जेब्रा है, क्या लिखेंगे, वन जेब्रा, यहाँ पे बहुत सारे जेब्रा, इसलिए जेब्रास लिखेंगे। और ये कितने हैं, फोर, वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फोर जेब्रास। अब यहाँ पे फ्रॉग है, तो क्या लिखेंगे, वन फ्रॉग, यहाँ पे कितने हैं, फ्रॉक्स हो जाएंगे प्लूरल। और कितने, सिक्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो हम क्या लिख देंगे, सिक्स फ्रॉक, तब हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया सारा। ठीक है, वन एलिफेंट, यहाँ पे ओ एन ई, ई एल ई पी एच, यहाँ पे मेरा पूरा कंप्लेंट नहीं, वैसे मैं नहीं चलते ए एन टी ए। ठीक है, एलिफेंट स्पेलिंग पूरी, वन जिब्रा, वन फ्रॉक एफ आर ओ जी। उसके बाद यहाँ पे एस लगा दिया सभी में। ठीक है, यहाँ पे प्लूरल एस ले, उसके बाद हमें थ्री एलिफेंट है, फोर जिब्रास, सिक्स फ्रॉक्स। ठीक है, तो आज हमारा ये लेसन पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब हम न्यू लेट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, बाय एंड टेक केयर।